fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Goes up in my brain, all of a sudden I don't look at it. Gotta build up of my thoughts sitting tray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Just let me be me, stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then maybe I have a taste. All the highs and the lows, no, we'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you stick it on my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिनोवो एमुलेटर का एक बेस्ट वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूं। यह एमुलेटर बेसिकली मेमू प्ले एमुलेटर का एक लाइट एंड मॉडिफाइड वर्जन है। इस एमुलेटर में आपको जीपीयू मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन एंड ASTC टेक्सचर जैसे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है जिसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो तो फिर भी यह एमुलेटर आपके सिस्टम पे काम करेगा। जस्ट आपके ग्राफिक ड्राइवर अपडेटेड होने चाहिए एंड 2 कोर्स वाला डुअल कोर प्रोसेसर भी रिक्वायर्ड है। इस एमुलेटर में किसी भी बैटल रॉयल गेम के लिए परफेक्ट की मैपिंग एंड सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है। साथ ही यह एमुलेटर फास्ट रिमोट, फास्ट ग्लू वॉल के लिए मैक्रो एंड रिपीटेड कीज वाले फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि लिनोवो एमुलेटर की फाइल का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्योंकि ये एक एक्जी फाइल है तो सिंपली से आप लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इस फाइल को सिंपली से हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप लोग लिनोवो एमुलेटर के सेटअप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होंगे, इंस्टॉल और FPS का। तो सिंपली से आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक विंडो ओपन होगी। उसके बाद जो बैकएंड पे हमारे पास ये वाली विंडो होगी इसको आप लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप लोग कस्टम पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसे जिस भी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर को लिनोवो एमुलेटर फ्री फायर OB43 अपडेट के नाम से रीनेम कर देंगे। लोकेशन को चूज करने के बाद सिंपली से आप लोग क्विक इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। लिनोवो एमुलेटर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है एंड इसको फुल इंस्टॉल होने देना है। जैसे ये एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों के पास लॉन्च नाउ का एक ऑप्शन आएगा। साथ ही जब ये एमुलेटर इंस्टॉल होता है तो डेस्कटॉप पे आप लोगों के पास इसका शॉर्टकट देखने को नहीं मिलता। लिनोवो एमुलेटर का शॉर्टकट किस तरह से डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं ये मैं आप लोगों को वीडियो में आगे जाके बताने वाला हूँ। अभी सिंपली से आप लोग लॉन्च नाउ पे क्लिक करेंगे तो लिनोवो एमुलेटर यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। लिनोवो एमुलेटर का इंटरफेस और सभी फीचर्स आप लोगों को मेमो प्ले एमुलेटर जैसे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये बेसिकली उसी का ही एक लाइट एंड मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे ही एमुलेटर ओपन होगा तो इसका एक करंट वर्जन डाउनलोड करने का कहेंगे जिसको हम लोग नो रिमाइंडर पे सेट करने के बाद कैंसिल कर देंगे। स्टार्ट भी आप लोगों को एक यूजर गाइड मिल जाती है कि किस तरह से आप लोगों ने इस एमुलेटर को सेटअप करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट करते जाएंगे और उसके बाद क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग एमुलेटर में इंटर होते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग इसकी एंड्रॉइड सेटिंग
सेटिंग्स को ओपन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने पे एक एप्स वाला सेक्शन दिखाई देगा। एप्स वाले सेक्शन में आने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों के पास लिनोवा एमुलेटर का एक अपना ही एप स्टोर देखने को मिल जाता है, जिसे ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट ऑफ करेंगे ताकि ये बैकग्राउंड से रन करना बंद कर दे। उसके बाद स्टोरेज में जाने के बाद इसकी कैशे एंड डाटा फाइल्स को क्लियर कर देंगे। लास्ट पे जैसे ही आप लोग डिसेबल पे क्लिक करेंगे तो लिनोवा एमुलेटर का एप स्टोर डिसेबल हो जाएगा। साथ ही अगर आप लोग बैक आने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो लास्ट पे आप लोगों के पास चाइनीज या फिर कोरियन नेम से एक और भी ऐप देखने को मिल जाएगी, जिसे ओपन करने के बाद सेम उसी तरह से आप लोग इसको भी डिसेबल कर देंगे। इतना काम करने के बाद आप लोग एंड्रॉइड सेटिंग्स में बैक आएंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग लार्ज माउस पॉइंटर को ऑन कर देंगे। साथ ही एक और ऑप्शन होगा टच एंड होल्ड डिले का, इसको भी हम लोग शॉर्ट पे सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एक अबाउट टैबलेट का ऑप्शन होगा, जिसमें आने के बाद अगर लिनोवा एमुलेटर में एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो ये एमुलेटर एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 का सपोर्ट करता है। नगट एंड्रॉइड होने की वजह से आप लोग इस एमुलेटर पे फ्री फायर के साथ साथ फ्री फायर मैक्स भी चला सकते हो, और भी काफी सारी एप्स एंड गेम्स हैं जो एंड्रॉइड 7 पे चल जाती हैं, उनको भी आप लोग इस एमुलेटर पे रन कर सकते हो। अभी आप लोग एंड्रॉइड सेटिंग्स को बंद करेंगे, ऊपर की तरफ जितनी भी टैब्स आप लोगों के पास ओपन होंगी सभी को आप लोग बंद कर देंगे। राइट साइड पे ये जो टूल बार है इस पे आप लोगों के पास इसकी एमुलेटर सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिनको ओपन करने के बाद सबसे पहले अगर आप लोग इंजन में आते हैं तो प्रीसेट सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने पीसी के हिसाब से कोई भी प्रीसेट चूज कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कस्टमाइज पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लोग सीपीयू कोर्स में इस एमुलेटर को 1 कोर और रैम में हम लोग इस एमुलेटर को 2 GB रैम असाइन कर देंगे। अगर एंटरिंग मोड की बात की जाए तो इस एमुलेटर को हम लोग ओपन जीएल पे सेट करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को गेम में इंटर होने के बाद ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई भी इशू आए तो आप लोगों ने इसको डायरेक्ट एक्स पे सेट कर देना है। लेकिन पहले आप लोगों ने ओपन जीएल को चूज करके देख लेना है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो आप लोगों ने इसको ओपन जीएल पे ही रखना है। साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जीपीयू मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का, इसको भी हम लोग ऑन कर लेंगे। अगर आप लोगों के पीसी में कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो तो फिर भी आप लोगों को इस ऑप्शन को ऑन ही रखना है, क्योंकि जो आप लोगों के पीसी में बिल्ट इन ग्राफिक्स मेमोरी होती है यह एमुलेटर उसको ऑप्टिमाइज करता रहेगा। साथ ही ASTC टेक्सचर को भी हम लोग ऑन कर देंगे, जिससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि जिस भी ड्राइव में आप लोगों ने लिनोवा एमुलेटर को इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे ये एमुलेटर कुछ कैशे फाइल्स को जनरेट करेगा, वो टेम्परेरी फाइल्स आप लोगों को लैग फिक्स करने में और FPS को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। उसके बाद अगर आप लोग डिस्प्ले में आते हैं तो टैबलेट पे क्लिक करके आप लोग अपने पीसी के हिसाब से जितने भी यहाँ पे प्री डिफाइंड रेजोल्यूशन वैल्यूज हैं इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग अपने पीसी के हिसाब से रेजोल्यूशन को डिफाइन करना चाहते हो तो कस्टमाइज में आएंगे और यहाँ पे आप लोग अपने पीसी के हिसाब से कोई भी रेजोल्यूशन रख सकते हो। जो DPI वैल्यू होगी इसको हम लोग 240 रख लेंगे। अगर फ्रेम रेट की बात की जाए, अगर आपके पीसी में कोई ग्राफिक कार्ड लगा हो तो फिर आप लोग 120 FPS को भी ऑन कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा पीसी जिसमें कम रैम हो, कोई भी ग्राफिक कार्ड ना लगा हो तो फिर आप लोगों ने 90 FPS को ही ऑन रखना है। स्टोरेज के बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल वाली सेटिंग होगी। प्रोफाइल में यहाँ पे आप लोगों के पास एक ही प्रोफाइल देखने को मिलेगी लिनोवो Z6 Pro की, लेकिन यहाँ पे ये जो IMEI नंबर होगा इसमें आप लोग जनरेट पे क्लिक करके इसको 6-7 बार चेंज कर देंगे। नेटवर्क के बाद एक इम्पोर्टेंट सेटिंग होगी डिवाइस वाली, जिसमें माइक्रोफोन में आप लोग रियलटेक माइक्रोफोन को चूज कर लेंगे और ऑडियो ड्राइवर में भी हम लोग स्पीकर हेडफोन्स रियलटेक ऑडियो को चूज करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको डिफॉल्ट पे रखते हैं तो समटाइम ये होता है कि गेम में इंटर होने के बाद ना तो आप लोगों का माइक काम करता है और ना ही आप लोगों को गेम का साउंड आ रहा होता है। सो आप लोगों के विंडोज में जो भी ऑडियो के ड्राइवर्स होंगे लाइक जो विंडो 10 और विंडो 11 है उसमें रियलटेक के ऑडियो ड्राइवर्स आते हैं, तो इनको आप लोगों ने चूज कर लेना है। अगर आप लोग पेरेंट्स में आते हैं तो यहाँ पे विंडोज जो पोजीशन होगी इसको हम लोग रिमेम्बर पे सेट करेंगे और कर्सर के लिए काफी सारे स्टाइल्स आप लोगों को देखने में मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी एक पॉइंटर आप लोग चूज कर लेंगे। अगर आप लोग प्रेफरेंसेस में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग स्लीप ऑप्शंस में कीप पीसी अवेक को चूज करेंगे, साथ ही एग्जिट ऑप्शन में हम लोग एग्जिट डायरेक्टली को चूज करेंगे, जिससे आप लोगों का ये फायदा होगा कि जब भी आप लोग लिनोवा एमुलेटर को बंद करोगे तो ये इस तरह से आप लोगों के सिस्टम ट्रे में मिनिमाइज नहीं होगा बल्कि आप लोगों के बैकग्राउंड से भी बंद हो जाएगा। लास्ट पे एक शॉर्टकट का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें वो सभी शॉर्टकट कीज आप लोगों को नजर आएंगी जिनकी मदद से आप लोग लिनोवा एमुलेटर को कंट्रोल कर सकते हो। अभी इस तरह से सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के बाद सिंपली से आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे और एमुलेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि जितनी भी हमने ये सेटिंग्स की हैं वो लिनोवा एमुलेटर में अप्लाई हो सके। रिस्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लोगों के पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा कि जब भी आप लोग इस एमुलेटर को रिस्टार्ट करोगे तो इसका एक शॉर्टकट आप लोगों के पास डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। जब आप लोग इस एमुलेटर को इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों के पास होम स्क्रीन पे इसका शॉर्टकट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे यहाँ पे आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये एमुलेटर रिस्टार्ट भी हो जाएगा, साथ ही आप लोगों के पास डेस्कटॉप पे इसका एक शॉर्टकट भी देखने को मिल जाएगा। इस वाले शॉर्टकट को हम लोग लिनोवा एमुलेटर फ्री फायर OB43 के नाम से रीनेम कर देंगे। एमुलेटर को रिस्टार्ट करने के बाद अभी हम लोग इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल करने वाले हैं। फ्री फायर इंस्टॉल करने के लिए राइट साइड पे ये जो टूल बार है इसमें आप लोगों के पास एक इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग इस एमुलेटर में फ्री फायर की APK फाइल या फिर XAPK फाइल को इंस्टॉल करवा सकते हो। बेसिकली मैं इस एमुलेटर में फ्री
ट्रांसफर का ग्लोबल वर्जन यूज करने वाला हूँ, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे फ्री फायर इंस्टॉल होगी तो अभी आप लोगों ने इसको ओपन नहीं करना। बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि लिनोवा एमुलेटर की मदद से फ्री फायर का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे किस तरह से क्रिएट किया जाता है। सो अगर आप लोग भी फ्री फायर का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं तो फ्री फायर को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, जिससे आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे आप लोग ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है सेंड टू, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग क्रिएट पीसी शॉर्टकट को चूज कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे तो फ्री फायर का एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन जाएगा। अभी अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट ट्विटर, वीके या फिर फेसबुक पे बना हो तो आप लोग टूल्स पे क्लिक करेंगे और इस एमुलेटर में आप लोगों को एक ब्राउजर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे फेसबुक लॉगिन, तो यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा m.facebook.com के नाम से, जिसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने फेसबुक का ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर इंटर करेंगे, पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इस एमुलेटर में आप लोगों ने अपने फेसबुक के पासवर्ड को सेव नहीं करना। इस तरह से ब्राउजर में अपनी आईडी को लॉगिन करने के बाद ब्राउजर को हम लोग सिंपली से बंद करेंगे। ऊपर की तरफ जितनी भी टैब्स ओपन होंगी इनको भी हम लोग क्लोज कर देंगे। अभी आप लोग सिंपली से फ्री फायर को ओपन करेंगे। अगर आप लोगों के पीसी से कुछ भी रन टाइम कंपोनेंट्स वाली फाइल्स मिसिंग होंगी तो वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्री फायर को लॉन्च करने से पहले आप लोगों ने इन फाइल्स को जरूर से डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग इन फाइल्स को डाउनलोड नहीं करते तो हो सकता है कि फ्री फायर आप लोगों के पास ओपन हो जाए लेकिन ओपन होने के बाद आप लोगों के पास जो की मैपिंग है वो वर्क नहीं करेगी। इस एमुलेटर में आप लोगों को फ्री फायर से रिलेटेड कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। साथ ही आप लोगों में से जितने लोगों ने भी मेरे सेकंड चैनल फ्री फायर टोटल फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पे मैं मोस्टली फ्री फायर के जो शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं वो अपलोड करता हूँ। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओनली आप लोगों को वीके का ऑप्शन मिलेगा। ये जो एमुलेटर है ये गूगल लॉगिन को सपोर्ट नहीं करता। साथ ही अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ब्राउजर में रीडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आप लोगों का जो अकाउंट होगा वो इजीली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास फ्री फायर विदाउट एनी एरर ओपन हो चुकी है। फ्री फायर ओपन करने के बाद आप लोग सीधा जाएंगे डाउनलोड सेंटर में, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और जितने भी रिसोर्सेज डाउनलोड हुए होंगे पॉज पे क्लिक करके सभी को हम लोग स्ट्रॉप कर देंगे। अभी आप लोग डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जितने भी एक्सपेंशन पैक डाउनलोड हुआ होगा सभी को सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिलीट पे क्लिक करके आप लोग कंफर्म कर देंगे सभी एक्सपेंशन पैक यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अभी आप लोग कैंसिल पे क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड में आएंगे और वही रिसोर्सेज डाउनलोड करेंगे जिनको आप लोगों ने इक्विप किया हो। अभी अगर ये बात की जाए कि लिनोवा एमुलेटर फ्री फायर की न्यू अपडेट OB43 के लिए की मैपिंग को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, तो इसके लिए सिंपली से आप लोग कंट्रोल्स में आने के बाद कस्टम एचडी को ओपन कर लेंगे। आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैं कस्टम एचडी को रीसेट कर लूंगा। राइट साइड पे अगर आप लोग देखेंगे तो टूल बार पे एक की मैपिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग की मैपिंग ओपन करते हैं तो लिनोवा एमुलेटर में फ्री फायर के लिए परफेक्ट की मैपिंग देखने को मिल जाती है। इस एमुलेटर में की मैपिंग के लिए दो स्कीम्स होंगी, एक होगा स्टैंडर्ड मोड और दूसरा होगा स्मार्ट मोड। आप लोगों ने स्टैंडर्ड मोड में ही की मैपिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आप लोग स्मार्ट मोड में की मैपिंग करते हैं तो समटाइम ये होता है कि फ्री फायर में इंटर होने के बाद आप लोगों का जो माउस को लॉक एंड अनलॉक करने वाला बटन है वो काम नहीं करता। कीज को आप लोग जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक को हम लोग फायर के लिए यूज करेंगे, राइट माउस क्लिक बटन से आप लोग स्कोप को कंट्रोल कर पाओगे और इस एमुलेटर में जो माउस को लॉक एंड अनलॉक करने वाला बटन है इसके लिए आप लोग कोई सी भी की असाइन कर सकते हो। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंसिटिविटी है इसको आप लोगों ने 50-50% रख के देख लेना है, क्योंकि इससे आप लोगों को गेम में अच्छी सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। साथ ही इसके साथ ही एक सेटिंग्स वाला आइकन आप लोगों को देखने में मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप लोग कर्सर एक्सेलरेशन को ऑन कर देंगे। लेकिन अगर कर्सर एक्सेलरेशन को ऑन करने के बाद कुछ गन्स लाइक UMP या फिर MP40 में ज्यादा रिकॉइल आप लोगों को फेस करना पड़े तो आप लोगों ने कर्सर एक्सेलरेशन को ऑफ कर देना है। इस तरह से की मैपिंग करने के बाद इसको हम लोग सेव करेंगे। अभी आप लोग इस एमुलेटर में जैसे भी फ्री फायर को प्ले करना चाहो आप लोग प्ले कर सकते हो। इस एमुलेटर में आप लोगों को मैक्रो और रिपीटेड कीज वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग इसमें फास्ट रिमोट या फिर फास्ट ग्लू वॉल लगा सकते हो। अगर तो कीज आप लोगों के पास स्क्रीन पे विजिबल हो और आप लोग इनकी विजिबिलिटी को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग की मैपिंग को ओपन करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी होगी इसको जीरो करके की मैपिंग को सेव कर देंगे। इससे आप लोगों के पास कीज स्क्रीन पे विजिबल नहीं होंगी। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।